नॉलेज टू एक्सपीरियंस राइट सो हमारी जो जर्नी है जो चल रही है इन द फोर स्टेप ऑफ हमारे फाइव स्टेप्स ऑफ फ्रीडम जो हमारी moment, yes, जो हमारी जर्नी चल रही है ऑफ फाइव स्टेप्स ऑफ फ्रीडम प्रोसेस ब्लू प्रिंट एंड उसका ये एक पार्ट है ओके okay, जो चल रहा है हमने नॉलेज तक कंप्लीट कर दिया है नाउ इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस सो ये एक्सपीरियंस को भी हम अलग अलग सेशन में समझेंगे राइट और right, ये जो हमारा फर्स्ट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन आज का जो सेशन है वो आपको मेनली बताएगा कि नॉलेज लेने के बाद उसको कैसे डाइजेस्ट uh, करें या तो उसके बारे में सोचें कि हम उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकें हम यू uh, नो you know, आज के ज़माने में बहुत टाइम देते हैं इन्फॉर्मेशन को गेन करने में नॉलेज को गेन करने में बट वी आर नॉट गिविंग टाइम टू इम्प्लीमेंट इट और नो सो वी हैव टू गिव टाइम टू इम्प्लीमेंट दोज स्ट्रेटजीज लर्निंग वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर डे टू डे लाइफ राइट वो जो सारी चीज़ है वहाँ पर नॉलेज को अटैच करना मीन्स थ्रू नॉलेज एक्सपीरियंस लेना ये बहुत बड़ी चीज है वो उसका जो रीज़न है वो मैं बताता हूँ क्यों वो बहुत बड़ी बात है नॉट इवन एट योर एज बट सबके लिए आफ्टर जॉब एज वेल ओके आप लोग देख रहे हो कि कंपनी के अंदर अलग अलग जो हर की रहती है उसमें वर्कर मैनेजर जनरल मैनेजर सीईओ तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं राइट तो ये लोगों के अंदर डिफरेंट जो डिफरेंस है वो क्या है उनके पास नॉलेज वही है कम वो सारे एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं बट कुछ लोगों को उस उन, उन जो सिस्टम है मीन्स जिस सिस्टम से वो काम करते हैं और जिस तरीके से वो एक्सपीरियंस लेते हैं गेन करते हैं वो उनकी जो स्पीड होती है एक्सपीरियंस गेन करने की वो ज़्यादा होती है इसमें से वही टीम में से कुछ लोग यू नो मैनेजर बन जाते हैं उसमें से कोई जनरल मैनेजर एंड सी बन जाता है तो ये जो प्रोसेस है उसको ब्रेक डाउन करने का मीन्स उसमें से वो क्रैक करके वो जो टीम है उसमें से अलग होने का और अपनी खुद की सोच बिल्डअप करने का ये एक स्किल uh, है जो अगर इसमें आप मास्टरी कर लोगे देन यू विल विन ऑल द यू नो वट एवर द कॉम्पिटिशन यू विल फेस और मे बी यू आर फेसिंग राइट नाउ राइट सो लेट्स सो so, ये जो स्टोरी है मैंने आपको काफ़ी बार इसके बारे में बताया राइट right? कि जो एक साइंटिस्ट थे आ, ये जो एक बहुत फॉर मी वेल इट्स रियली यू नो एक टचिंग एक्सपीरियंस जो उन्होंने एक देखा था और जिस तरह से उन्होंने इन्वेंशन किया एक सिंपल बायोमिक्री जिसको हम बोलते हैं right? राइट तो बायोमिक्री के टॉपिक में हमने ये देखा था बट रिवाइज इट अगेन यहाँ पे जो फोटो है वो हैकिंग फिशर ओके और जो साइंटिस्ट है जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ उनकी फ़ोटो भी आपको मैं दिखाता हूँ बाद में तो उनकी जो प्रॉब्लम थी कि जो मैगलेट ट्रेन है तो मेगलेट ट्रेन के अंदर वो एक सुपर फास्ट स्पीड ट्रेन है तो जब वो टनल में से गुजरती है ना तो बहुत जब बाहर निकलती है तो बहुत सारा नॉइज़ यू नो लाइक क्रिएट होता है और जो आजू बाजू वाले लोग होते हैं ना उनको ऐसा लगता है कहीं पर बम है इतना वो नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा था तो ये कंप्लेंट आई उनके पास साथ में स्पीड का भी दिक्कत आ रहा था बिकॉज उसका जो शेप था बिफोर यू नो कि जो डिज़ाइन हुई उसके पहले का जो शेप था वो नॉर्मल ट्रिंग की तरह था तो कहीं ना कहीं एयर रजिस्टेंस भी आ रहा था वो स्पीड बढ़ रही एयर रजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वहाँ पे भी दिक्कत है वाइब्रेशन वगैरह फील होता है तो डिज़ाइनिंग को लेके उनके काफ़ी प्रॉब्लम्स uh, रहे थे बट थ्रू बायोमेट्री ओके मीन्स एक बार वो जब गार्डन में ऐसे ही बैठे होते हैं और ये प्रॉब्लम को लेके सोच रहे होते हैं और उतने में ही एक किंग फिशर आता है बहुत लाइक like, फिश को फटाफट से कैच करके निकल जाते हैं वो पॉन्ड में से जो मिस वहाँ पे बैठे होते हैं वहाँ पे पॉन्ड होता है और वहाँ से ऐसे निकल जाती है वो और ये जो सीन हुआ वो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया अच्छे से और उन वो सोच में पड़ गए क्या इतनी स्पीड इतनी फटाफट कैच कर ली हाउ इट्स पॉसिबल इवन एंड देन ही रियलाइज यू नो उसने रिसर्च चालू किया इसके ऊपर एंड डिस्कवर दैट द बिक ऑफ दैट किंग फिशर इज़ रियली गुड डिज़ाइन कि वो उसकी जो स्पीड है वहाँ पर वो काम आता है और कैच करने में भी काम आता है कोई उसका जो प्रे है उसमें राइट right. और इसको इन, इसमें से इंस्पायर इंस्परेशन ले कर उन्होंने वो जो डिज़ाइन है मैगलिटोरिंग के फ्रंट पार्ट की जैसे कि आप देख सकते हो वो चेंज कर दी और ये करने की वजह से उनका जो प्रॉब्लम था साउंड का और स्पीड का ये दोनों सॉल्व हो गए जस्ट फ्रॉम यू नो वन डिज़ाइन लाइक चेंजिंग जस्ट वन डिज़ाइन ओके वो नॉलेज जो था उस उन्होंने यहाँ पे क्या किया एक्सपीरियंस यानी कि वहाँ पे उन्होंने डाला कि किस तरह से ये, ये जो चीज़ है वहाँ पे हम ये कंसेप्ट को अप्लाई uh, कर सकते हैं और मैंगलोर ट्रेन की डिज़ाइन को चेंज करके काफ़ी लोगों का सॉल्यूशन ला दिया राइट तो दिस इज कॉल्ड नॉलेज टू एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस और एक फ्रीडम मिल गई राइट उनको एक फ्रीडम मिल गई एक डिज़ाइन एक छोटे सी डिज़ाइन से ऐसे बहुत सारे और भी डिज़ाइन है जो हमने बायोमेक्री के भी सेशन में देखी थी uh, <coughs> तो ये मोस्ट ऑफ लाइक वो जो बिग की डिजाइन है वही डिज़ाइन आप यहाँ पे देखोगे एंड दिस इज़ इन्वेंटेड बाय जो साइंटिस्ट है उनका नाम है डॉक्टर इजी तो ये जन जो मैगले ट्रेन की जो डिज़ाइन थी पूरी उसमें बहुत सारे चेंजेस उन्होंने बाद में किए थे जैसे कि पेंटोग्राफ जो होता है ट्रेन के अंदर उसमें उन्होंने पैगविन का मेमिक्री किया था कि पैगविन की जो डिज़ाइन है वो पेंटोग्राफ के अंदर उन्होंने अप्लाई की कि जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड के साथ वहाँ पे भी एयर आराम से कर सके क्योंकि वो फ्लोटिंग बहुत अच्छे से करते हैं पैगविन ये जो कोट है इज़ रियली यू नो अटैच टू दिस टॉपिक If you always do what you always did you will always get what you always got यू ऑलवेज wahi process bar वही प्रोसेस बार बार रिपीट करेंगे यू will, will get always same result. But बट आपको उसमें चेंज करना होगा वो प्रोसेस यानी कि थिंकिंग प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ और साथ में नॉलेज गेन करने की और एक्सपीरियंस लेने की ये जो मैथड है वो आपको चेंज करनी होगी जिस तरह से आप अभी जी रहे जिस सोच के साथ जो मैंटेलिटी के साथ जिस तरह से आपका आउटलुक है इवन आप घर में भी रह रहे हो या तो बाहर भी जा रहे हो तो आप दुनिया को किस एंगल से देखते हो और किस एंगल से आपको वो दुनिया को देखना चाहिए अगर आपका वही हैबिट रहा यू विल गेट द सेम रिजल्ट ओके वही साइकिल रिपीट होगी बट आप जब तक चेंज नहीं करेगी वो साइकिल के अंदर आपकी थॉट प्रोसेस के अंदर तब तक आपको अच्छा रिजल्ट अच्छी प्रोग्रेस नहीं मिलेगी एंड दैट्स वाह ये जो सेशन है वो किस लिए काम आते हैं टू चेंज दिस प्रोसेस एंड यू नो ब्रिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल ताकि बार बार ये सोच आपके दिमाग में आए एंड इसीलिए ये जो हमारे स्टूडेंट मास्टर माइंड सेशन होते ये चीज़ आपको यू नो हेल्प करते वहाँ पर कि आप अब यहाँ अभी जहाँ पर हो वहाँ से थोड़ा आगे आ सको ये हमारा ट्राई है ठीक है तो हमारा जो ये फाइव स्टेप फ्रीडम प्रोसेस ब्लू प्रिंट है उसमें से हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के बारे में देखा था देन क्यूरियोसिटी नॉलेज एंड नाउ एक्सपीरियंस फिर लास्ट में हम फ्रीडम के बारे में आ, सोचेंगे ठीक है और ये जो हमारी साइकिल है मींस जो हार की है हमारे लास्ट तक पहुँचने की ठीक है वहाँ पे अभी हम स्टेज नंबर फोर्थ पे है तो पैरेलली हम इसको भी समझना चाहते हैं डिप में तो दैट्स द मेन रीजन ओके okay, कि ये क्योसिटी के थ्रू हम यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं और ये कौन से लेवल की बात चल रही है राइट सो एक्सपीरियंस जो है और नॉलेज है उसको सिंपली समझने के लिए ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है नॉलेज का मतलब आपको पता है कि ये कुछ पीसीस है आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है अलग अलग चीज़ों के अंदर और आप उसमें से कुछ बना रहे हैं विच इज़ समाट एट कंस्ट्रक्टिव वे जिसका कुछ यूज़ हो सके एप्लीकेशन हो सके दैस कॉल एक्सपीरियंस ओके तो वो ये जो यहाँ पे एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ वो खुद के एक्सपीरियंस के लिए भी बात कर रहा करो और दूसरे के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ और एक अलग अलग एग्जाम्पल्स देखते हैं अभी यहाँ पे ये जो वीडियो दिख रहा है आपको उसमें एक सिंपल लॉजिक है डेंसिटी राइट डेंसिटी का एक कमाल है कि भाई चलो वाटर के अंदर हम जब ऑयल डालते हैं वो ऑयल फ्लोट होता है अभी क्या क्या फ़र्क पड़ता है ये आप जानो या ना जानो क्या ये कोई आपकी लाइफ में चेंज लाएगा लेट बी द चैट बॉक्स लेट में द चैट बॉक्स कि क्या ये आपकी लाइफ में चेंज लाएगा अगर ये प्रोडक्ट के बारे में आपने अगर इस ये प्रोसेस के बारे में आपने अगर जान लिया तो क्या हो जाएगा क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप इसको जानो या ना जानो एनी थिंग लेट मी नो फास्ट इन द चैट बॉक्स नो राइट बट अभी मान लो कि एक नॉलेज आपको मिला आपने इसको एक्सपीरियंस किया बट जब आप एक्सपीरियंस करते हो तब तो आपने सोचा कि ले इस मेक इट समथिंग न्यू आउट ऑफ इट और एक प्रोडक्ट बन गया जो आज बहुत सारी जगह पे आ, सेल हो रहा है ऑनलाइन एक सिंपल इनोवेशन का कमाल देखिए आप एकदम बेजिक चीज़ सी और कहाँ से कहाँ पहुँच गई सेम प्रिंसिपल सेम लो बट देखो ऑयल का कलर उन्होंने रेड कर दिया एक प्रोडक्ट बना दी एक सिस्टम इस उसके अंदर सेट कर दिया और एक यू you नो know, एक इसमें से एंट्रप्रीनर भी आ सकते हैं काफ़ी प्रोडक्ट और भी डिज़ाइन हो सकते हैं दिस इज जस्ट वन सैम्पल ओवर हीयर तो सोचो कि एक नॉलेज से एक्सपीरियंस तक की जो जर्नी है वो क्या कर सकती है ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बट हियर आर फ्यू और देखते आगे ये सबको पता है राइट right? बैटरी और अलग अलग तरीके की जो हमारी बैटरीज रहती है राइट right? तो ये पता है आपको इसके बारे में जैसकी मेवरमेंट बाउट yes. so you know uh, कि किस तरह से हम इसको रिमोट के अंदर यूज करते हैं इसी के रिमोट में कोई भी रिमोट में हम कैसे यूज करते हैं यू नो राइट वॉट इज प्लस वेर इज नेगेटिव टर्मिनल्स बट the thing इज कि ये इनोवेशन देखिए आप एक पहले इस तरीके से लाते हैं फिर uh, जो हाई वॉट है उन्होंने उसकी जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दी उसका जो पर्पज़ है uh, जो अलग अलग तरीके में यूज़ होता है वो चेंज कर दिया तो एक डिज़ाइन चेंज हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों के अंदर ये डिफरेंस है plus do you know about that terminals What right? kiya rite kiya rite positive one side negative one side or this knowledge you can assess many things like through remote right you can uh, also switch on the bulb means mini leds through this high uh, battery you can also run a small fan mod with motor with this battery so by just getting this knowledge you can do many things at uh, you know a smaller level to experience to get some experience but after some time you can invent anything new from that experience to ye jo knowledge hai wo aapko kaise systematically implement karna hai theek hai to you know uh, uh, get some result productive outcomes from that journey वो matter करता है okay? और example देखते हैं ठीक है ठीके? because आज का जो मेरा हमारा introduction ही है कि इंपोर्टेंस क्या है और कैसे होता है अभी हम बात करते हैं जापान की तो जापान के अंदर पॉल्यूशन जो इंक्रीज़ हो रहा है उनके लिए उनकी गवर्नमेंट टेंशन में थी कि भाई क्या किया जाए तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया वो पहले रिसर्च किया कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ें जो पॉल्यूशन को कम कर सकती है और नेचुरली कर सकती है तो उन्होंने फाइंड किया कि बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए ऑफकोर्स ओके okay? जो हमारी प्रोसेस है पहले क्यूरसिटी क्योसिटी के बाद हमारा सेकंड स्ट्रेज आया कि भाई इसके अंदर जाना है कि नहीं जाना है फिर साइंटिस्ट uh, हैं तो डिप uh, में जाएंगे फिर उन्होंने क्या किया डेटा कलेक्ट किया uh, अलग अलग चीज़ें कलेक्ट की बेसिकली मशरूम के साथ और भी बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बेस पे कलेक्ट की होगी आफ्टर डेट उन्होंने एक्सपेरिमेंट की होगी उसके ऊपर और भी बहुत प्रॉड होगी जो शायद पॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर सके बट मशरूम मे uh, बी उस टाइम वॉज गुड वन कि जब उनको पता चला कि कंपेरेटिवली अदर थिंग्स मशरूम ज़्यादा रेडिएशन uh, को कंट्रोल कर रहे हैं मीन्स उसको ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्व कर रहे uh, हैं सॉरी और उस, उनके थ्रू उन्होंने क्या किया अभी मशरूम को ग्रो करने का एक ही जगह पे आप ग्रो कर सकते हो तो सब ग्रो करें ऐसा जरूरी नहीं है तो उन्होंने क्या आइडिया चलाया उनकी एक प्रोडक्ट बना दी तो मशरूम की बहुत सारी उन्होंने प्रोडक्ट बना दी उसमें से एक लैंप है बहुत सारी और भी प्रोडक्ट्स है अभी हर जगह पे सब लोग लगाएंगे एक यूज हो जाएगा एक अवेयरनेस आएगी नेचुरल का नेचर हो गया और रिलेशन भी वो ऑब्जर्व कर रहा है तो थिंक कितनी चीज़ें सॉल्व हो रही है जस्ट फ्रॉम यू नो सॉल्विंग वन बिगर प्रॉब्लम और एक सिंपल आइडिया नेचर में सब कुछ एग्जिस्ट करता है यू स्टिल नीड टू ऑब्जर्व इट दैट्स इट इसलिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो ऑब्जर्वेशन था बिकम अ गुड ऑब्जर्वर ये भी क्या वो ऑब्जर्व किया और उसके बाद जाके उन्होंने एक आइडिया फाइंड किया रिसर्च के बाद मिस आइडिया के बाद रिसर्च किया और कुछ प्रोडक्ट फाइंड किया राइट एंड यू नो लाइक एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जब ये ऐसी चीज़ें आप करते हो तो और एग्जाम्पल देखते हैं अभी जैसे कि ये है कोको कोला है पेप्सी है इनो है राइट right? ये सब के अंदर क्या है पता है जस्ट एक फार्मूला है और वो फार्मूला को करने से कुछ केमिकल बनता है और वो केमिकल का जो टेस्ट है वो हमें अच्छा लगता है इसलिए वो प्रोडक्ट हम बार बार परचेस करते हैं बट ये तीनों के अंदर आप देखोगे तो कुछ नहीं है एक पाउडर फॉर्म है एक लिक्विड फॉर्म है ठीक है और उसके अंदर एक आ, दो तीन मे बी कुछ केमिकल्स का एक रेशियो प्रपोजन है मीन केमिकल इन द सेंस ऑर्गेनिक जो हम खा पी सकते हैं तो ये देखो सॉल्यूशन कैसे बने इनो इनो का क्या है कि एक सोडा ही है ना बेसिकली जो एसिडिटी को ख़त्म करता है तो उनका एक काम ही है साइंस में हर अब हर एक बच्चा पढ़ता है बट कितने लोगों ने उसको अप्लाई किया वो नॉलेज को अप्लाई किया एक अच्छे प्रोडक्ट बना के देखो आज यूनो कितनी बड़ी ब्रांड बन गई है राइट और भी बहुत सारी चीजें बट यू नो एक नाम ही बन गया एसिडिटी यू नो वाई बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस राइट नॉलेज टू एक्सपीरियंस तो उन्होंने आगे गए वो नॉलेज का एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के तरह उनको फ्रीडम मिल गई राइट टाइम

राइट सो देर आर मैनी स्टडीज एज आई मैंस तो ये सारे जो प्रोसेस है जैसे कि कुछ फैक्टर्स आप देखिए उसके लेवल्स है उसका जब आप एग्जैक्टली exactly वो लेवल के साथ मैच करते हो तो यू विल गेट सम रिजल्ट वो फिक्स है और राइट right, तो इस तरह से नेचर के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है बिच यू हैव टू एक्सपीरियंस एट सर्टेन लेवल और जब आप वो करते हो एंड यू विल गेट यू नो न्यू जॉय ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू एंड इट इज़ अल्टीमेट एक्चुअली राइट तो इस तरह इस तरीके से भी आप आ, आ, अपने जो प्रोजेक्ट होते हैं या तो स्कूल प्रोजेक्ट या तो आपके जिस चीज़ पर भी, भी आपका रिसर्च चल रहा हो तो वहाँ पे भी आप इस तरीके के मेजरमेंट के थ्रू अलग अलग चीज़ों का यू नो कि एक फॉर्मूला बनाना है या तो कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो वो काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर सकते हो तो नॉलेज नॉलेज के बाद हमने कुछ उसका एक्सपीरियंस किया मींस नॉलेज जो है वो जब हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं कनेक्ट करते हैं यू विल गेट एन एक्सपीरियंस कि यहाँ से ऐसा कुछ हो रहा है और जब आप वो एक्सपीरियंस को कुछ अलग तरीके से जोड़ते हैं यू 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 विल बिकम क्रिएटिव ओके वो उसमें से कुछ प्रोडक्ट मिलता है जैसे कि हमने ऑयल का देखा मशरूम का देखा राइट right? तो नॉलेज लिया पहले मशरूम रेडिएशन एब्जर्व करता है फिर एक्सपीरियंस किया मशरूम के थ्रू और फिर उसमें से लैंप बनाए उन्होंने मशरूम के तो ये पैटर्न आप आई थिंक सारे इनोवेशन के अंदर आप ही ऑब्जर्व करोगे ओके okay, और यही पैटर्न अगर आप अच्छे से समझ जाओगे ना यू विल ऑल्सो यू कैन ऑल्सो डू सम क्रिएटिव वर्क और हम सबके पास वो चीज़ है कहीं ना कहीं छुपा हुआ है राइट right? कि वो जो क्रिएटिविटी है ना वो बाहर लानी है बट वो लाने का जो तरीका है वो सिस्टेमेटिकली होना चाहिए बिकम ऑब्जर्वर बिकम अ क्यूरियस और एंड That's how you will find your uh, way, okay, of your journey to success. All right, so you are unique. Just find how and why, okay, and success will follow you. Got it, everyone? Yes. Sir. All right. So uh, we will go more deep in uh, this part in next Tuesday at seven p.m.